देखिए, वाइट फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस कहते हैं और ये बहुत पुरानी बीमारी है और ये सामान्यतः सामान्य एंटीफंगल एजेंट से ठीक भी हो जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं, कभी कभी उनके मुंह में ओरल थ्रश वाइट वाइट पैचेस आते हैं मुंह के अंदर। जो एचआईवी एड्स से संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनके भी मुंह के अंदर कैंडिड इन्फेक्शन हो जाता है, वाइट वाइट उजले रंग के पैचेज आते हैं। जो व्यक्ति इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है अन्य स्थिति में भी, जैसे शुगर बहुत हाई है, तो उन लोगों को भी फंगल इन्फेक्शन होता है। और सामान्य व्यक्तियों को भी कभी कभी ह्यूमिडिटी के कारण से इंग्वाइनल एरिया में काच लग जाता है फंगल का, और आगे बढ़ करके कभी कभी कान के अंदर भी फंगस होते हैं, कैंडिड एल्बिकेंस होते हैं, वाइट वाइट उजला उजला फंगस लग जाता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो फेफड़ों में भी फंगल की इन्फेक्शन होती है, या ब्रेन में भी हो सकती है, आंतों में हो सकती है। लेकिन सामान्यतः जो वाइट फंगस होते हैं वो ट्रीटेबल होते हैं, उनको सामान्य एंटीफंगल एजेंट जैसे फ्लूकोनाजोल, इट्रोकोनाजोल, इससे सुनवाई होती है और ये बहुत गंभीर नहीं होते हैं और मृत्यु दर भी इसमें बहुत हाई नहीं है।